पिक्चर्स ऑफ खान। तो आज की जर्नी है मुंबई को अलविदा कहने की, और अपन जा रहे हैं दुबई, फ्रॉम मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू दुबई। सो अभी देखते हैं अपनी जर्नी कैसी होती है। मैं अभी बेसिकली अभी बैक कैमरा करता हूँ, आप लोग मुंबई एयरपोर्ट का एक टूर देता हूँ। सो गाइस, ये मुंबई का ना टर्मिनल 2 है। हाँ, टर्मिनल 2 बहुत प्रीटी है। ये देखो, ये पूरा टर्मिनल 2 है। देखो टर्मिनल 2 की लाइटिंग देखो कितनी मस्त है। और ये मेरी है लगेज। अभी चलो अपन चलते। अब मेरा गेट नंबर है ना 4। अभी सीन क्या है पता है, इमिग्रेशन की लाइन देखो मेरे कितनी ज़्यादा है। मीन्स मेरे आगे अप्रोक्सीमेट 100-200 लोग खड़े इतनी कर दी है। सो गाइस देखो, ये पूरी इमेज, ये बोर्डिंग की लाइन है। सो सोच लो कितना ओवरलोड होने वाला है प्लेन। सो गाइस, फाइनली आफ्टर 10 मिनट्स है ना, मुझे मेरा बोर्डिंग पास मिल गया। लोग आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये रहा मेरा बोर्डिंग पास। अभी मैं मूव होता हूँ आगे सिक्योरिटी की तरफ, आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। और सो गाइस, ये अभी ना सिक्योरिटी चेक होने वाला है। सो इसके आगे मैं शूटिंग नहीं कर सकता हूँ। अभी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक पूरे गेट्स लगे हैं। चलो आगे जाके इमिग्रेशन के बाद आप लोग समझ। सो गाइस, अभी देखो, अभी अपन आगे जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक के पास। सो ये पूरा अपना सिक्योरिटी चेक है अभी। सो अभी इसके आगे अब मैं शूट तो नहीं कर पाऊँगा। सो अभी चलो चलते हैं और आगे पूरे सिक्योरिटी चेक है, और उसके आगे अपना इमिग्रेशन काउंटर। ये अभी इलेक्ट्रॉनिक गेट्स था जिसको पार करके अभी जस्ट आए। तो चलो चलते हैं अभी, चेक कम्प्लीट करके आप लोग से मैं मिलता हूँ। सो गाइस, यहाँ से देखो मेरा अभी सिक्योरिटी चेक हो गया है। अभी मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन के टूवर्ड्स। सो ये तो दोनों एकदम स्मूथ प्रोसेस था अभी, लेकिन इमिग्रेशन में लाइन देखो गाइस कितनी ज़्यादा है। सो अभी जाते हैं अभी इमिग्रेशन में। अभी वीडियो अलाउड नहीं है, अभी आगे जाके आप लोग से मिलता हूँ इमिग्रेशन के बाद। सो गाइस, ये मेरा अभी इमिग्रेशन यहाँ से कम्प्लीट हो गया। अभी मैं एंटर कर रहा हूँ मुंबई ड्यूटी फ्री। तो चलो मुंबई ड्यूटी फ्री का भी एक एक्सपीरियंस लेते हैं। दुबई ड्यूटी फ्री तो आप लोगों ने देख ही लिए थे, अभी मुंबई ड्यूटी फ्री। देखो यहाँ पे एक ऑफर चल रहा है विन अनाउंस। सो ये पूरा अपना मुंबई ड्यूटी फ्री है। अभी चलो फटफट जाते हैं आगे यार, मेरे को लग रही है भूख। सो अभी KFC खाएंगे, सामने को फूड कोर्ट दिख रहा है। अभी फटफट अपन ऑर्डर करते हैं। अब ड्यूटी फ्री में यहाँ पे को देखने का अभी मन नहीं है मेरा फिलहाल। M&M देखो 1000 रुपीज़ का, बाप रे। ड्यूटी फ्री में चीज़ें बहुत महंगी है, बहुत। सो अभी अपन आगे बढ़ते हैं, और सामने अपने को फूड कोर्ट दिख रहे हैं। देखो अभी जाते हैं KFC का कुछ एक सिंपल मील ऑर्डर करते हैं, क्योंकि मेरे बोर्डिंग को ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। मीन्स मेरे को बोर्ड करना है, 1 घंटा है मेरे पास। तो चलो फटफट आप लोग से बताया KFC पे मिलता हूँ। मतलब फूड का फूड काउंटर एंटर कर रहा हूँ। अभी तो मेरे को तो पता है कि KFC इसके पीछे है। सो चलो फटफट KFC जाते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं और खाते हैं। गाइस यार KFC पे तो बहुत लंबी लाइन है। ये देखो गाइज, आप लोग दिख रहे हैं एयर इंडिया एयरक्राफ्ट। आई थिंक सो ये मेरा ही एयरक्राफ्ट है। बाकी भी देखो बहुत सारे लगे, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। सो ये सामने वाला एयर इंडिया लग रहा है मेरा ही है। चलो देखते हैं। सो गाइज, मेरा गेट नंबर 72 है, दिस वे से आता है। सो चलो देखते हैं गेट नंबर 72 किधर है। ये देखो यहाँ पे ना एयरपोर्ट के ऊपर ऐसे इंडिकेटर्स लगे, तो इट्स वेरी ईजी के सबको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो अब मेरा है गेट नंबर 72, गेट नंबर 72। तो इस तरफ चलते हैं आगे और देखते हैं 72। सो गाइज, मूविंग टूवर्ड आ गेट नंबर 72। सो ये एक व्यू है, इधर भी एयरक्राफ्ट है। देखो सामने एयर इंडिया दिख रहा होगा, इधर भी एयरक्राफ्ट है। अपना गेट नंबर 72 है। अभी चलो अपन चलते 72 के पास और देखते हैं। सो गाइज, मैं ना आप लोगों KFC का वीडियो शूट करना ही मैं भूल गया, जस्ट बिकॉज इतनी भूख लग रही थी ना, ऐसे लगा फटफट खा लो और निकलो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा ही था इसीलिए। सो गाइज, अभी फ्रॉम टॉप वी आर कमिंग टू बॉटम। सो अभी देखते हैं गेट नंबर 72 किधर है।
ये फर्स्ट टाइम मैं ये एरिया में आ रहा हूँ 72 के लिए, तो यूजुअली मैं हमेशा ऊपर ही मेरे को मिल जाता था। तो अभी चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 72 अभी भी आगे, तो चलो अभी एक लेवल में अभी थोड़ा नीचे आ गया। सो गाइस अभी तो एयरपोर्ट पे वेंडिंग मशीन थी, उसमें तो पहली पहली लाइन में वो ले लिया एयरक्राफ्ट में खाने के लिए। वैसे तो खाना तो मिलने ही वाला है, तो चलो अभी 72 आ ही रहा है नियर बाय। चलो फटफट फट अपन बोर्ड करते हैं अपना एयरक्राफ्ट। सो गाइस अपना ये हो गया है, अभी ये क्लियर हो गया है, ये तो एयर इंडिया अपना यहाँ खड़ा है। चलो बोर्ड करते हैं एयर इंडिया एयरक्राफ्ट। सो ये एक गैली है यूजुअली जो प्लेन को कनेक्ट करती है ना। तो अभी जाते हैं अपन एयरक्राफ्ट में बैठते हैं और फिर मिलते हैं आप लोग से आगे। सो गाइस इट्स टाइम टू एंटर द एयरक्राफ्ट। अभी सामने भी एयरक्राफ्ट है, अभी एयरक्राफ्ट अभी करते हैं एंटर, मिलते हैं आप लोग। गाइस मैं फाइनल प्लेन में एंटर हो गया, ये मेरी सीट है। सो अभी मेरे को प्यास लगी तो मैंने एयर इंडिया वाले से पानी मंगाया। सो अभी देखते हैं जर्नी कैसी जाती है, मिलते हैं आप लोग आगे। मैं आप लोग एक है ना ओवरऑल व्यू देते तो इसे। सो गाइस प्लेन मेरा पूरा ओवरलोडेड है, पूरा बहुत पब्लिक है। ये ऑन स्क्रीन इसका ये, एंड सबसे बेस्ट पार्ट देखो एंड सीट लेने का, और ये विंडो डबल विंडो दुबई। सो फ्लाइट बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया। अब मैं जा रहा हूँ लगेज काउंटर के टूवर्ड्स। सो ऐसे लगेज चले गए तो फिर आप लोग अपना डायरेक्ट मिलता हूँ। सो गाइज फाइनली अपनी एयरपोर्ट मेट्रो इज़ रेडी। सो अभी ये डोर खुलेगा, अपन बैठते हैं मेट्रो के अंदर और पहुँचते डायरेक्ट अराइवल बैगेज काउंटर के पास। सो गाइज फाइनली वी एंटर्ड दुबई मेट्रो। सो गाइज अभी अपन मेट्रो से बाहर तो निकल गए, अभी देखो वहाँ पे अराइवल लिखा है। अराइवल नीचे जाके इमिग्रेशन क्लियर करके बैगेज लेके बाहर निकलेंगे, ये रहा मेट्रो। सो ऐसी बात लेट हो गया है। सो ये पूरा अभी से इमिग्रेशन अब मैं जा रहा हूँ बैगेज कलेक्ट करने, बैगेज कलेक्ट करके आपको मिलता हूँ अभी डायरेक्ट। स्मूथ साइड थी, खाना भी मस्त था, मज़ा आ गया। सो गाइज मैं अभी देखो मेरा हो गया, बैगेज भी क्लियर हो गया। अभी मैं यहाँ से ना निकलता हूँ बाहर, और बाहर निकल गया। अभी देखते हैं क्या मिलती है अपने को।